दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलामुअलैकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे आप सबकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये क्लिप है दिसंबर 1 की। मैंने ना 3 दिन ज़्यादा व्लॉगिंग खास नहीं की, छुट्टियों का दिन था। छुट्टियां किस लिए थी? दिसंबर 2 को नेशनल डे होता है, UAE नेशनल डे। तो यहाँ पर है ना फ्राइडे सैटरडे और संडे हम सबकी छुट्टी थी, रहमान की छुट्टी थी, अलैना की छुट्टी थी, तो थोड़ा लेज़ी मूड में चले गए थे। प्लस और इन 3 दिनों में मैंने थोड़े थोड़े शादी के शॉपिंग भी की है। तो फ्राइडे का दिन था, सब कुछ काम करने के बाद मैंने स्किन प्रेप किया, बहुत ही अच्छा मास्क बनाया था मैंने। अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। ये ना मैंने मास्क शीट में क्यूकम्बर का जूस और बेसन डाल के एक बहुत अच्छा सा मास्क बनाया था और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। दो इट लुक्स स्केरी नाउ बट द रिज़ल्ट आर अमेजिंग और मैं तो बहुत ही इंप्रेस हो गई इस रिज़ल्ट से। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद 3 बजे हम निकल गए थे दुबई के लिए। यहाँ पर है ना फायर वर्क्स होते हैं और बहुत ही अच्छा फायर वर्क होने वाला था। तो हम लोग है ना द पॉइंट ई निकल गए थे जो कि दुबई में है। अच्छा, जो सामने आप देख रहे हैं ना ये बहुत ही फेमस और बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है। मतलब आप यहाँ ये अटलांटिक्स दुबई है, ये है ना होटल है, ठीक है। यहाँ पर एक एक रूम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये इसका ना पीक में होता है दिसंबर और जनवरी में। तो ये है ना पाम अटलांटिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर है ना द पॉइंट ई मॉल जा रहे थे, वहाँ पर है ना फायर वर्क होना था। यहाँ पर वे नेशनल डे में ना फायर वर्क बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग उसके लिए ही निकल गए थे। तो 4 बज रहे थे तकरीबन यहाँ पर। ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया, मैं तो गाड़ी में भैया सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ जाती है क्योंकि रासल खैमा से दुबई जहाँ हम जा रहे हैं 1 आवर 20 मिनट्स बता रहा था मैप में। तो मैंने लंबा सफ़र करने से अच्छा थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर लूँ क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी और रेस्ट भी नहीं हो पा रहा था, तो हमें सो गई थी। ये सब जो भी आपको वीडियो क्लिप्स देखेंगे ना सारा कुछ रहमान ने रिकॉर्ड किया है। तो हम लोग ना ऑलमोस्ट पहुंच गए थे द पॉइंट ई मॉल पे। ये फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, इससे पहले हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स लोग गए थे, हम नहीं जा पाए थे, मैं इंडिया में थी। तो अब मैं आ गई हूँ तो सोचा कि क्यों ना फायर वर्क भी है और देख लें। और क्लाइमेट इतना अच्छा हो रखा है दुबई का, मतलब ऐसा अगर पूरा साल हो ना तो क्या ही बात हो। बहुत अच्छा क्लाइमेट, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी, धूप तो ना के बराबर ही है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त ना इधर पार्किंग का थोड़ा सा बहुत मसला हो जाता है दुबई में। पार्किंग में ना कुछ पेड पार्किंग होते हैं, कुछ VIP पार्किंग भी थी, तो हम लोगों ने ना पेड पार्किंग में लगा दी थी कार। और ऊपर से आपको व्यू बताऊंगी, इतना खूबसूरत है, आप 1 सेकेंड भी मिस मत करिएगा। आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अच्छा, दुबई में आते हैं ना ख़ासकर दुबई में, मैं रासल खैमा में रहती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कहाँ पर रहते, तो हम रासल खैमा में रहते हैं। दुबई आते हैं ना कार की जो देखने का मिलता है ना, इतने अच्छे अच्छे कार मिलते हैं, हर टाइप की आपको मिल जाएंगी। अभी सिर्फ पार्किंग में ही आप देख लीजिए कितने सारे कार हैं। दो मुझे कार की इतनी नॉलेज नहीं है, हस्बैंड को है, तो लेकिन है ना बहुत अच्छे अच्छे कार देखने मिल जाते हैं दुबई में। तो यहाँ पर है ना पार्किंग थी, और ये वाली कौन सी गाड़ी थी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना जिसे गाड़ी की नॉलेज होगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेट्रो जा रहा है, मैंने हर एक चीज़ कैप्चर किया, यहाँ से व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, रहमान अलीज़ा को संभाल रहे हैं, तो यहाँ से व्लॉगिंग के जो मोर्चा है मैंने उठा लिया है। बस आप व्यू एंजॉय करिए, व्यू तो इतनी खूबसूरत थी, बस मैं अब जब ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, व्यू इतना अच्छा दिख रहा है, क्लाइमेट इतना अच्छा दिख रहा है, तो सोचिए वीडियो में इतना अच्छा दिख रहा है तो सामने से कितना अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट हो रखा था और ठंडी काफ़ी अच्छी से अच्छी खासी यहाँ पर शुरू हो गई है। और यहाँ पर रहमान अलैना लीज़ा को अपना प्यार देते हुए हम बस पॉइंटी मॉल पहुँचने ही वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं था पार्किंग से, बस 2-3 स्टेप्स चलने थे, उसके बाद पॉइंटी मॉल आ जाएगा। अटलांटिक्स देख रहे हैं आप, सामने से दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिखेगा। ये तो अभी दिन का व्यू था, रात में जब लाइटिंग शुरू हो जाएगी ना, UAE फ्लैग का कलर जो रेड ग्रीन
वाइट एंड ब्लैक होता है, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो वो है ना उसकी उसकी लाइटिंग कर रहे, पाम अटलांटिक्स में पूरी लाइटिंग लगी हुई थी, उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। पूरा कंपलसरी, पूरा वीडियो कंपलसरी देखिएगा, एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो मॉल पहुँचते पहुँचते ना बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जगह है बच्चों की, यहाँ पर देखिए वहाँ पर बहुत लोग अपना अपना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत लोग जॉगिंग कर रहे थे। यहाँ पर है ना बहुत पॉश एरिया है, तो बहुत अच्छे अच्छे ज़्यादातर यहाँ पर आपको फॉरेनर्स ही दिखेंगे। तो ये चिकी मंकीज़ है यहाँ पर, ये हमारे रासल खेमा में भी है। इसका कार्ड हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो अलैना खेलना चाह रहे थे, पर फायर वर्क का भी टाइम हो रहा था, तो टाइम वेस्ट नहीं करना था ना, 8 o'clock को फायर वर्क शुरू हो जानी थी, तो हम लोग वहाँ पर निकल गए थे। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, और ये तो इतनी खूबसूरत चीज़ है, क्या ही बताऊँ, सामने से तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने शाम के भी ना एक फ़ोटो कैप्चर की थी, यहाँ पर मैं साइड पे लगा दूँगी, देखेगा ज़रूर। और यह है ना, अब बस मगरिब का वक्त होने ही वाला था, और लाइटिंग देख रहे हैं आप, स्लोली स्लोली लग गई, अभी इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं आपको क्लियर वाली लाइटिंग दिखाऊँगी कि कैसा UAE मैप का कलर में अटलांटिक्स को सजाया गया था। और यहाँ पर मैं नज़ारे इन्जॉय करते हुए, बहुत लोग बोलते हैं कि आप वीडियो में आया करिए आया करिए, तो है ना मैंने यहाँ पर अलैना से रिक्वेस्ट की कि मेरा वीडियो ले लो यहाँ पर, तो अलैना से जैसे बन पाया उसने वीडियो ली। पर सच में यार नज़ारा इतना खूबसूरत था, कभी कभी ना दिल इतना शुक्र करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई में हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल भी हम देख रहे हैं, बहुत दिल शुक्र करने को करता है। और यहाँ पर अलीज़ा क्या दिखा रही हैं आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में आगे, आप देखते रहिए। अलीज़ा का ना पानी से एक अलग ही क्रेज़ है, आपको लव लेक वाला व्लॉग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मेरी वाटर बेबी, दोनों मेरी बेटियाँ ना वाटर बेबी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी उनको पानी एंजॉय करना था। धीरे धीरे अलीज़ा यहाँ से बस पानी में डाल रहे हाथ, और थोड़ी देर बाद आपको पूरे फाउंटेन के बाद ही फाउंटेन के पास ही दिखने लग जाएंगे, वो लोगों को पानी इतना ज़्यादा पसंद है। अभी विंटर्स है तो हम ज़्यादा स्विमिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो ड्रीमलैंड तोमल कुएं में हमारा हमेशा फिक्स है, मतलब महीने में 2-3 बार तो हम चले ही जाते हैं, क्योंकि स्विमिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर पाम अटलांटिक्स का मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लाइटिंग किया हुआ है, गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर है ना आपको दिखाऊंगी UAE फ्लैग कलर, रेड कलर दिख रहा है आपको, रेड ग्रीन वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एकदम नीचे है, आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा तो ज़रूर मिलेगा जी। ये हो गया है मगरिब का वक्त, हम लोग सब लोग नमाज़ पढ़ लिए थे, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आखिर बाहर देख रही हूँ तो इतना अच्छा लाइटिंग लगा हुआ था सब जगह UAE नेशनल डे का। आगे ना UAE नेशनल डे कैसे सेलिब्रेट होता है वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, अबू धाबी में इस बार बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेट हुआ है मैंने सुना है, दुबई में इतना इस बार फायर वर्क बहुत जगह नहीं हुआ है, क्योंकि सुनने में ऐसा आया है कि पैलेस्टीन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा फायर वर्क कम ही हो गए इस बार। अबू धाबी में थोड़ा बहुत अच्छे से हुआ है, वहाँ की भी मैंने क्लिप्स थोड़े बहुत ऐड कर लिया है। तो ये पर एंटर करते वक्त ना बीच आने वाला है, बीच का जो मौसम था ना इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी यार। यहाँ पर है ना एक्टिविटीज़ थी, ग्लोबल विलेज में भी ऐसी एक्टिविटीज़ है, अगर आप विन करते हो तो आपको सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं। मेरे घर में सारे जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं ना यही सब गेम्स के ही हैं, आपको पता है, सिर्फ 50% मैं घर पर निकाल के रखी हूँ, बाकी जो भी थे एक्स्ट्रा मैं ना पैक कर रखी हूँ, बिकॉज मुझे मेरे घर में सबको सॉफ्ट टॉयज़ का एक अलग ही क्रेज़ है, रहमान को हो गया, लैना हो गया, लीज़ा हो गया, सबको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं ना सॉफ्ट टॉयज़ कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ गिफ्ट देना है तो आप लोग मुझे सॉफ्ट टॉयज़ गिफ्ट कर सकते हो हाँ किडिंग। और इसके बाद है ना हम पहुँच गए थे, देखिए कितना अच्छा क्लाइमेट हो रखा है। अच्छा, द पॉइंटी मॉल के पास ना बीच में बैठने का बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया गया था, यहाँ पर देखिए बीन बैग्स वगैरह थे सामने एकदम बहुत ही करीब, मतलब 10 से 15 स्टेप्स आपने चलना है बस, उसके बाद आपको पानी मिल जाएगा, इतना अच्छा था। अभी तो लोग बिल्कुल भी नहीं जमे थे, जैसे 8 बज रहा था ना इतने सारे लोग जमा हो गए थे, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, वहाँ पे ना बहुत सारे व्लॉगर्स भी आए थे, क्योंकि सामने भी आप देख रहे हैं एक जो बंदा ऑरेंज वाले बीन बैग में बैठा है ना वो भी व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की, पर वो लोग व्लॉग्स बना रहे थे तो बस देख रही थी, क्योंकि ना कुछ कुछ चीज़ें ना लोगों से सीखने को भी मिलती है। और यहाँ पर ना क्यूट सा पप्पी आया था, इतना प्यारा था, बहुत बार कर रहा था लेकिन इतना भौंक रहा था, मतलब 5 मिनट भी हार्डली चुप हो रहा था। उसको देखकर अलीज़ा के लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उसने अभी तक कोई से भी पप्पी को नहीं देखा है इतनी सामने से, और भौंकते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो ये अलीज़ा ना बहुत शौक हो के, मतलब हर 5 मिनट जा रही थी वो पप्पी को सता करा रही थी, और वो पप्पी उनको खेलना था पर उस
उसके डॉग के जो ओनर थे ना वो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, उसको अलैना और अलीजा के साथ खेलना था। वीडियो में कंटिन्यू हम देखना कितना वो पप्पी अलैना अलीजा के साथ खेलना चाह रहा था। अलीजा ना कैट को देखे, क्योंकि आई हैव अ पेट पर्शियन कैट है मेरे पास, तो कैट तो उन्होंने देख रखा था, ये पप्पी उन्होंने पहली बार देखा था और इतना भौंक रहा था, इतना क्यूट था बकायदा, मैं आपसे क्या ही बोलूँ। अच्छा तो यहाँ पर है ना फायर वर्क हम सब वेट कर रहे थे, धीरे धीरे भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई मतलब ठहरने के लिए भी जगह नहीं था। और यहाँ पर है ना रहमान और सब लोग स्नैक्स लेने के लिए गए थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा रेस्ट की जाए, ये जब छुट्टियों वाला दिन होता है ना किचन से फुर्सत मिलती है तो यही वक्त होता है कि मैं जितना पॉसिबल हो उतना रेस्ट कर लूँ। तो बीच में भी मैं रेस्ट कर ली थी, ठंडी तो बहुत ज़्यादा थी, ब्लैंकेट हो जाती तो पक्का मैं सो ही जाती। अच्छा ये क्लिप है ना अबू धाबी की है, अबू धाबी में बहुत अच्छा नेशनल डे सेलिब्रेट हुआ है, यही फायर वर्क है। और यहाँ पर है ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि है ना यहाँ पर स्प्रे वगैरह करते हैं, इतना हाइजीन से बनाते हैं ना नेशनल डे, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए ना मुझे इस बार थोड़ा सा गाउन वगैरह भी लेना था, तो रासल खैमा में हम कुछ शॉप्स है ना मैप में ढूंढ के रखे थे लोकेशन वगैरह, तो वहाँ पर गए थे। ठीक है आप वीडियो में कंटिन्यू देखना, एक से एक वैरायटी है यार, मैं क्या, मेरा तो दिल कर रहा था सबको ले लूं, क्योंकि मुझे ना इस टाइम कुछ हटके करना था और इस मेरी बहन की शादी को लेके मैं कितनी एक्साइटेड हूँ या मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। काफ़ी कुछ शॉपिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, पर यह है ना आपको एक दिन इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग बताऊँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया। हम इंडिया जा रहे हैं 17 दिसंबर को, आफ्टरनून की फ़्लाइट है अबू धाबी से, तो बहुत कम टाइम हो गया, बाकी चीज़ों को भी मुझे करना है, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। और यहाँ पर है ना मैं आपको हर एक चीज़ गाउन का लुक बता रही हूँ। अच्छा आप इसमें से बताना मैंने कौन सा लिया होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे गाउन को पहन के भी बताया है वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आप इन सब में देख के बताना कि कैसा है। अच्छा गाउन की बात करें ना तो बहुत सारे शॉप्स में रेंट पर भी मिलता है गाउन, पर मैं रेंट वाला बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, मुझे हाइजीन की भी इशू लगती है और रेंट सिस्टम में क्या ही लेना, अगर आप बाई करोगे तो वही रेंज में आ जाएगा। रेंट में अगर लेते हो तो आपको रिटर्न करना होता है, बहुत बहुत लफड़े होते हैं उसके, वापस आपको लॉन्ड्री वॉश कराना है। तो मैं सोची कि इस बार अच्छा वाला खुद ही खरीद लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से ना 3 गाउन खरीदे। आपको बस आइडिया लगाना है कि मैंने कौन सा लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बना हुआ भी गाउन ले सकते हो या आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। कस्टमाइज़ करने के लिए ना इनके पास हर वैरायटी के कपड़े हैं, आगे आपको मैंने दिखाया है, देखिए आपको कौन सा वाला अंदर कपड़ा चाहिए, कौन सा वाला नेट चाहिए, इवन हर एक चीज़ आपको वो लोग डिटेल में बताते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सा प्लान भी है कि आपको गाउन कैसे टाइप का चाहिए, आपका कैसे डिज़ाइन आपने फाइनल किया है, वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर है ना नेट भी था, हर एक चीज़ वो लोगों ने हमें प्रॉपरली बताया। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर कोई ना, हमेशा थोड़ी हम लोग इतना बाय करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3-4 बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन को फाइनल कर लिया और मेरा गाउन का जो आउटकम है आप देखना ज़रूर। अच्छा ये वाला जो है ना मैंने ये ख़रीदा नहीं है, ये वहाँ पर सैम्पल पीस रखा था, तो शॉप वाली बोल रही थी कि आप ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद बताइएगा कैसा लग रहा। लेकिन यार ये इतना खूबसूरत था, मेरा तो दिल आ जाता था। रहमान तो बहुत बोल रहे थे कि ले लो ले लो, ऑलरेडी मैंने 3 गाउन अपने डिज़ाइन दे रखे थे और वो लोगों ने बनाने के लिए बोला है कि नेक्स्ट 11 दिसंबर तक मिल जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी 2 बोल के रखे हैं। इसके बाद मैं ये वाला भी ले लूँगी, तो इतना सारा मैं पहनूंगी का, यहाँ पर आना जाना तो बहुत ही कम होता है। तो सेकंड वाला मैंने ये ट्राई किया, ये तो इतना खूबसूरत था यार, इसका जो पीछे का था ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर से कमेंट में लिखना, लेकिन बहुत क्लासी था यार। मैंने इन सब में से ना 2 फाइनल किए हैं और इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, तो आप गेस करिएगा मैंने कौन कौन सा लिया है। ये मैंने सेकंड डिज़ाइन ट्राई किया, ऐसे मैंने 5-6 गाउन ट्राई किए हैं, पर मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए, जल्दी पहन रही थी, चेंज कर रही थी, ऐसा हो जा रहा था, तो मैंने ये वाला एक गाउन ट्राई किया, ये बहुत क्लासी लग रहा था, ज़बरदस्त था यार। इसके बाद नेक्स्ट मैंने और एक गाउन ट्राई किया है, आप लोग बताना आपको सबसे ज़्यादा गाउन कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। और ये वाला ब्लू था, ये तो इतना ज़बरदस्त था, अभी तक का ये मेरा फेवरेट रहा है, ठीक है। मैंने लिया नहीं है, ये आपको ना एक मेरा रिसेप्शन और शादी में आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा लिया है, बस आप गेस करते रहना। मैंने ना थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवाया है चीज़ों को, तो हमने ड्रेस वगैरह फ़ाइनल की, उसके बाद हम निकल गए थे अलीजा और अलैना की शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग भी बहुत सारी पेंडिंग थी, हम लोग इतना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, तो अभी टाइम वेस्ट करने के बिल्कुल भी नहीं है। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।